इस फिगर में हमें बताना है कि कितने आपके त्रिभुज हैं, क्या 8 हैं, 11 है, 10 है या फिर 9 है। तो चलिए गिनते हैं और देखते हैं इसमें त्रिभुज कितने आपके मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस त्रिभुज को गिनने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखिए, ये जो है आपका ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी कि 2 और 1 मिलाकर कितने हो गए, तो सर इस कोने से आपके 3 हो गए। कितने हो गए? 3। ठीक उसी तरह से देखेंगे तो सर यहाँ पर भी जो है 3 मिलाकर होंगे, यानी 1, 2, यहाँ से भी कितने बन गए आपके? 3 बन गए। ठीक उसके बाद से छोटा वाला देखेंगे तो एक ही त्रिभुज ये बना, ठीक है। उसके बाद से एक त्रिभुज आपका ये बना, ठीक है ना, फिर एक त्रिभुज आपका ये बना, यानी कि 3, 3, 6, 1, 7, 1, 8 और एक कितना हो गया? 9। तो ये तो 9 हो गया आपके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बन रहा है और वो कौन सा है? तो वो है आपका पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 9, 1 हो जाएगा 10, और इसमें त्रिभुजों की जो संख्या होगी 10 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में आपको ना? हाँ, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है और आसानी से आपने इस त्रिभुज को क्या कर लिया? काउंट कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी चर्चा में प्रश्न रहा है। इसमें आपको त्रिभुज बताना है कितने आपके त्रिभुज मौजूद हैं। तो देखिए इसको गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद से फिर यहीं से देखेंगे तो 1 पूरा हो जाएगा 3, ठीक है ना। उसके बाद से फिर इस लाइन को लेते हैं तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। फिर इसी लाइन को लेंगे तो 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा पूरा बड़ा वाला? 5। उसके बाद से जो है आपने ये छोटा वाला नहीं गिना है, ठीक है। ये छोटा वाला जो है आपने नहीं गिना है, ये वाला 5 और 1 क्या हो गया? 5 और 1 पूरा मिलाकर ये 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद से जो है एक छोटा वाला ये लेते हैं तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। 7, 1, 8। 8, 1 कितना हो गया? 9। और पूरा मिलाकर एक बार लेंगे ये पूरा जो है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो त्रिभुज होंगे वो आपके कितने होंगे? 10 होंगे। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।